हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू योर वेरी ओन यूट्यूब चैनल सी ड्रीमर्स। आज हम बात करने वाले हैं अबाउट ऑडिट ऑफ कैश एट बैंक, यानी कि जो हमारा बैंक में कैश होता है, जो हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में बैंक का बैलेंस दिख रहा होता है, उसका ऑडिट का क्या प्रोसीजर होता है, कैसे ऑडिट चेक करता है कि जो बैलेंस हमें दिख रहा है वो ठीक है या नहीं है। तो पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था अबाउट ऑडिट ऑफ कैश इन हैंड, यानी कि जो हमारे पास कैश इन हैंड होता है उसका ऑडिट कैसे होता है, कैसे ऑडिटर उसको चेक करता है। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक। फर्स्ट ऑफ ऑल द ऑडिटर शुड एडवाइज द एंटिटी टू सेंड अ लेटर टू ऑल ऑफ इट्स बैंकर्स टू डायरेक्टली कन्फर्म द बैलेंस टू द ऑडिटर। यानी कि जो ऑडिटर है वो एंटिटी को ये एडवाइस करेगा। एडवाइस क्या करेगा, एंटिटी से ये कहेगा कि जो आपके बैंकर्स हैं उनसे आप रिक्वेस्ट कीजिए कि वो जितने भी बैलेंसेज हैं आपके, जो भी आपके बैंक्स में अकाउंट्स चल रहे हैं उसके जो बैलेंसेज हैं वो मुझे डायरेक्टली सेंड करें। मतलब ऑडिटर डायरेक्टली बैंक से स्टेटमेंट मांगेगा जो हमारी एंटिटी है उसके अकाउंट का। द ऑडिटर शुड एग्जामिन द बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट। ऑडिटर बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट को एग्जामिन करेगा। प्रिपेयर एज ऑन द लास्ट डे ऑफ द ईयर, जो हमारा ईयर एंड पर बना होगा रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट उसको चेकआउट करेगा। टू आइडेंटिफाई चेक्स इशूड बाय द एंटिटी, क्या आइडेंटिफाई करने के लिए, क्या पता करने के लिए कि जो एंटिटी ने चेक इशू कर रखे हैं बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, पर लेकिन वो चेक पेमेंट के लिए प्रेजेंट ही नहीं करे गए हैं। मतलब जो एंटिटी ने चेक इशू करे हैं, जो एंटिटी ने चेक काट के दिए हैं, वो चेक जो उसके कस्टमर्स हैं एंटिटी के, उन लोगों ने प्रेजेंट ही नहीं करे हैं पेमेंट के लिए। एंड चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड इन बैंक, या फिर जो हमने चेक डिपॉजिट करे हैं वो क्रेडिट नहीं हुए हैं अभी तक। तो ये दोनों ही चीज़ों को चेक करने के लिए, क्रॉस चेक करने के लिए, इनको ट्रेस करने के लिए ऑडिटर जो है वो बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट को एग्जामिन करेगा। द ऑडिटर शुड पे स्पेशल अटेंशन, ऑडिटर को बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए टू दोज आइटम्स, उन आइटम्स पर इन द रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट, रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट में विच आर आउटस्टैंडिंग फॉर एन अनड्यूली लॉन्ग पीरियड, जो बहुत लंबे समय से ड्यू चलते चले आ रहे हैं। मतलब उनका पेमेंट नहीं हो रहा है और अगर हमें वो रिसीव करने हैं तो रिसीव नहीं हो रहे हैं। तो ऐसे अगर कोई ट्रांजेक्शन्स हैं जिन पर ऑडिटर को थोड़ा सा शक होता है, जो बहुत ज़्यादा अनयूजल से लगते हैं, उन पर ऑडिटर स्पेशल अटेंशन पे करेगा। वेयर अ लार्ज नंबर ऑफ चेक्स हैज़ बीन इशूड और डिपॉजिटेड, जहाँ पर एक बहुत बड़ी मात्रा में जो चेक्स हैं वो इशू करे गए हैं, यानी कि काटे गए हैं या फिर डिपॉजिट यानी जमा करे गए हैं इन लास्ट फ्यू डेज ऑफ द ईयर, आखिरी के कुछ दिनों में, जो हमारे ईयर एंडिंग है जो 31 मार्च को होता है नॉर्मली, तो उससे पहले जो बहुत लार्ज नंबर में चेक डिपॉजिट करे गए हैं, इशू करे गए हैं, एंड अ साइजेबल प्रपोर्शन ऑफ सच चेक हैज सब्सिक्वेंटली रिमेन अनपेड और अनक्लियर, और उसका एक बहुत बड़ा प्रपोर्शन अभी तक अनपेड है या फिर अनक्लियर्ड है। दिस में इंडिकेटेड इंटेंशन ऑफ अंडरस्टेटिंग क्रेडिटर्स और डेटर्स और अंडरस्टेटिंग और ओवरस्टेटिंग बैंक बैलेंसेस। तो इससे क्या इंटेंशन हो सकती है, यानी कि क्या फ्रॉड सामने आ सकता है कि जो एंटिटी है उसने या तो क्रेडिटर्स या डेटर्स को अंडरस्टेट कर रखा है, मतलब क्रेडिटर्स या डेटर्स कम दिखा रखे हैं, जो रियल क्रेडिटर्स या डेटर्स की वैल्यू है उससे कम पर उसने अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में शो कर रखे हैं, या फिर अंडरस्टेट या ओवरस्टेट या कम दिखा रखे हैं या ज़्यादा दिखा रखे हैं जो बैंक का बैलेंस है। मतलब या तो एंटिटी ने डेटर्स में कुछ ना कुछ गड़बड़ करी है या क्रेडिटर्स में गड़बड़ करी है या फिर बैलेंसेस में ही गड़बड़ करी हुई है, क्योंकि वो एक बहुत लंबे समय से अनपेड है या फिर अनक्लियर्ड है, तो फिर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ हो सकती है, ऐसी एक इंटेंशन सामने आती है। इन सच अ केस, इस केस में इट मे बी अप्रोप्रिएट फॉर द ऑडिटर, ऑडिटर के लिए बहुत अप्रोप्रिएट होगा, ठीक होगा टू ऑप्टेन कन्फर्मेशन, कि वो कन्फर्मेशन को ऑप्टेन करे, कन्फर्मेशन ले, एक एक्सप्लेनेशन ले फ्रॉम द पार्टीज कंसर्न, जो भी पार्टीज हैं यानी कि जो भी डेटर्स या क्रेडिटर्स हमारे अनड्यू या अनक्लियर दिख रहे हैं बहुत लंबे समय से, या फिर जो भी चेक्स हमारे अनक्लियर दिख रहे हैं, उन पार्टीज से ऑडिटर खुद कन्फर्मेशन ले, उनसे खुद एक एक्सप्लेनेशन ऑप्टेन करे, स्पेशली इन रिस्पेक्ट ऑफ चेक्स, स्पेशली चेक्स के रिलेशन में इन्वॉल्विंग लार्ज अमाउंट, स्पेशली उन चेक के रिलेशन में जो कि लार्ज अमाउंट के, यानी कि एक बहुत बड़े अमाउंट के चेक है, उनके रिलेशन में जो ऑडिटर है वो डायरेक्ट जो हमारे क्रिएटर या डेटर हैं, जो हमारी पार्टीज हैं, उनसे कन्फर्मेशन ले या उनसे बातचीत करे। द ऑडिटर शुड ऑल्सो एग्जामिन वेदर रिवर्सल ऑफ द रेलिवेंट एंट्रीज वुड बी अप्रोप्रिएट अंडर द सर्कमस्टांसिस। मतलब ऑडिटर ये भी चेक करेगा कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो हमारी एंटिटी है उसने अभी कुछ चेक्स को क्लियर कर दिया हो, यानी कि अभी उनका पेमेंट रिसीव कर लिया हो, और उसके बाद में जो एंटिटी है उनका बाद में वो रिवर्सल डाल दे,
कहीं ऐसे ही तो कोई इंटरनल कंट्रोल में वीकनेस नहीं है कि एंटिटी ऐसा कर सकती हो कि अभी तो हमें कुछ और दिख रहा है और बाद में जो एंटिटी है उन एंट्रीज का रिवर्सल डाल सकती है, उन रेलिवेंट एंट्रीज का। तो ये भी ऑडिटर चेक करेगा कि ऐसे सर्कमस्टांसेस हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं। इन रिस्पेक्ट ऑफ फिक्स डिपॉजिट, फिक्स डिपॉजिट के रिस्पेक्ट में द रेलिवेंट रिसिप्ट और सर्टिफिकेट, जो भी रेलिवेंट रिसिप्ट या सर्टिफिकेट होगा, ड्यूली सपोर्टेड बाय द बैंक एडवाइस, बैंक एडवाइस से सपोर्ट किया गया होगा जो बैंक एडवाइस पर होगा, शुड बी एग्जामिन, उसको ऑडिटर एग्जामिन करेगा। यानी फिक्स डिपॉजिट का जो भी हमारा बैंक एडवाइस का सर्टिफिकेट है उसको ऑडिटर एग्जामिन करेगा। रेमिटेंसेस शोन एज बीइंग इन ट्रांजिट शुड बी एग्जामिन, जो रेमिटेंसेस इन ट्रांजिट है यानी कि अभी ट्रैवलिंग में है, जो अभी रास्ते में है, जो भी रेमिटेंसेस यानी कि जो कैश इन हैंड हमारा अभी रेमिट इन ट्रांजिट है उसको भी ऑडिटर चेक करेगा। विथ रेफरेंस टू किस चीज से चेक करेगा, देयर क्रेडिट इन द बैंक इन द सब्सिक्वेंट पीरियड, की बैंक में उनका जो क्रेडिट है उसके रिलेशन में ऑडिटर चेक करेगा जो रेमिटेंस हमारा इन ट्रांजिट है उसको। वेयर मटेरियल्स अमाउंट आर हेल्ड इन बैंक अकाउंट्स विच आर ब्लॉक्ड, जब मटेरियल अमाउंट, मटेरियल का मतलब यहाँ पे क्या हुआ है, एक बहुत बड़ा अमाउंट जिससे कि मैटर पड़ता है, मतलब दो चार रुपए की बात नहीं है, एक बहुत बड़ा रेलिवेंट अमाउंट है हमारे बैंक के उन अकाउंट में जिनको कि हम ब्लॉक कर चुके हैं, जो अकाउंट हमारे ब्लॉक हो चुके हैं। एग्जाम्पल इन फॉरन बैंक विथ एक्सचेंज कंट्रोल रिस्ट्रिक्शंस, फॉरन बैंक में ही अकाउंट है एक्सचेंज कंट्रोल रिस्ट्रिक्शंस के साथ, या फिर और एनी बैंक विच आर अंडर मोरेटोरियम, या फिर कोई बैंक अगर मोरेटोरियम के अंडर है या फिर लिक्विडेशन के अंडर है, उस बैंक में हमारा कोई अकाउंट है जिसमें कि एक मटेरियल अमाउंट पड़ा हुआ है, द ऑडिटर शुड एग्जामिन वेदर द रेलिवेंट फैक्ट हैव बीन सुटेबली डिस्क्लोज इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो ऑडिटर ये चेक करेगा कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है एंटिटी के उसमें इस फैक्ट को डिस्क्लोज करा गया है या नहीं करा गया है कि जो हमारा एक बहुत बड़ा अमाउंट है वो हमारे किसी ऐसे बैंक में पड़ा हुआ है जो कि ब्लॉक है। वेयर द ऑडिटर फाइंड डेट द नंबर ऑफ बैंक अकाउंट मेंटेन बाय द एंटिटी इज डिसप्रोपोर्शनेटली लार्ज इन नंबर टू इट्स साइज, मतलब जहां पर ऑडिटर को ये लगता है, ऑडिटर को ये बात पता चलती है डेट द नंबर ऑफ बैंक अकाउंट की जो बैंक अकाउंट के नंबर है मेंटेन बाय द एंटिटी जो कि एंटिटी ने मेंटेन कर रखी है, मतलब एंटिटी का कोई एक बैंक अकाउंट हो या फिर 10 हो, ऐसा हो सकता है जब बहुत बड़ी एंटिटी का साइज हो, बहुत बड़ा उसका नेचर हो बिजनेस का, तो उसके बहुत नंबर ऑफ अकाउंट्स भी हो सकते हैं डिफरेंट बैंक्स में, तो जो नंबर ऑफ बैंक अकाउंट है जो मेंटेन करेगा या एंटिटी के द्वारा इज डिसप्रोपोर्शनेटली लार्ज इन रिलेशन टू इट्स साइज, वो डिसप्रोपोर्शनेटली लार्ज है मतलब कि एंटिटी का इतना ज़्यादा साइज ही नहीं है, उसका बिजनेस का इतना स्कोप ही नहीं है जितने कि उसने बैंक अकाउंट खोल रखे हैं। द ऑडिटर शुड एक्सरसाइज ग्रेटर केयर इन सेटिस्फाइंग हिमसेल्फ अबाउट द जेन्युइननेस ऑफ बैंकिंग ट्रांजेक्शंस एंड बैलेंसेज, तो ऑडिटर को बहुत ज़्यादा ध्यान देना होगा, उसको बहुत चेक करना पड़ेगा इस चीज़ के रिलेशन में कि क्या वो अकाउंट जेन्युइन है, ऐसा तो नहीं है कि जो उसकी ब्लैक मनी है या फिर जो उसका अमाउंट है उसको छिपाने के लिए, उसको सेट ऑफ करने के लिए उसने इतने सारे बैंक अकाउंट को खोल रखा हो, तो जो भी बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स और बैलेंसेज हैं उनको ऑडिटर चेक करेगा। डायरेक्ट कन्फर्मेशन प्रोसीजर यानी कि अब ऑडिटर डायरेक्ट कन्फर्मेशन करेगा और डायरेक्टली कन्फर्म करेगा जो भी अकाउंट बैलेंसेज हैं उनको, और जो बैंक के द्वारा मेंटेन करेंगे अब ऑडिटर बैंक से डायरेक्ट कन्फर्म करेगा। तो क्या प्रोसीजर है डायरेक्ट कन्फर्मेशन का, ऑडिटर इज रिक्वायर्ड टू कन्फर्म ऑल ईयर एंड अकाउंट बैलेंसेज मेंटेन विद द बैंक, ऑडिटर को ज़रूरत है कन्फर्म करने की जो भी पूरे साल के अकाउंट बैलेंसेज मेंटेन करे गए हैं बैंक के द्वारा। इन केस ऑफ एनी डिस्क्रिपेंसी, किसी भी डिस्क्रिपेंसी मतलब जो भी एडवर्स सर्कमस्टांसेज हैं या फिर कोई भी अगर गलती मिलती है, कोई भी मिस्टेक होती है, क्लाइंट शुड बी आस्क्ड टू इन्वेस्टिगेट एंड रिकंसाइल द डिस्क्रिपेंसीज, तो क्लाइंट जो है हमारा, जो हमारा एंटिटी है जिसका हम ऑडिट कर रहे हैं, शुड बी आस्क टू इन्वेस्टिगेट एंड रिकनसाइल द डिस्क्रिपेंसी, तो ऑडिटर उससे रिक्वेस्ट करेगा, उससे कहेगा कि वो इन्वेस्टिगेट करे और इस डिस्क्रिपेंसी को, जो भी गलती मिली है, जो भी ड्रॉबैक मिला है उसको रिकनसाइल करे, उसको चेक करे, इंक्लूडिंग सीकिंग रिटर्न एक्सप्लेनेशन, जो भी रिटर्न एक्सप्लेनेशन है उनको इंक्लूड करते हुए, क्लैरिफिकेशन है अगर बैंक की तो उसको इंक्लूड करते हुए, या फिर जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और एनी अनरिजॉल्व्ड क्वेरी है उसको इंक्लूड करते हुए, यानी कि वो क्लैरिफिकेशन भी देगा, रिटर्न एक्सप्लेनेशन भी देगा, प्लस जो अनसॉल्व्ड क्वेरी है उनसे रिलेशन में सबको वो रिकनसाइल करेगा, सबको वो चेकआउट करेगा, सबके आंसर्स ऑडिटर को देगा जो हमारा क्लाइंट है वो। द ऑडिटर शुड एम्फेसाइज फॉर कन्फर्मेशन ऑफ 100% ऑफ बैंक अकाउंट बैलेंसेज, ऑडिटर एम्फेसाइज करेगा, ऑडिटर इस बात पर जोर देगा कि जो 100% अकाउंट बैलेंसेज यानी कि जितने भी अकाउंट के बैलेंसेज हैं उनको सबको वो कन्फर्म करे, सबको जो हमारा क्लाइंट है वो कन्फर्म करके दे कि ये अकाउंट बैलेंसेज सही है।
इन रिमोट सिचुएशंस, यानी कि रिमोट सिचुएशन मतलब कुछ एडवर्स सिचुएशन, कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस वेयर नो रिप्लाई इज रिसीव्ड, जब कोई रिप्लाई नहीं मिल पाता है, द ऑडिटर शुड परफॉर्म एडिशनल टेस्टिंग रिगार्डिंग द बैलेंसेज। तो ऑडिटर जो वो एडिशनल टेस्ट अप्लाई करेगा, वो सेकेंड टेस्ट अप्लाई करेगा उन बैलेंसेज को चेक करने के लिए। द टेस्टिंग कुड इंक्लूड, जो सेकेंड टेस्ट वो अप्लाई करेगा उसमें वो क्या क्या कर सकता है, एग्रीइंग द बैलेंस टू बैंक स्टेटमेंट, कि वो बैलेंस को बैंक स्टेटमेंट से एग्री करे, रिसीव्ड बाय द कंपनी, जो कि कंपनी ने रिसीव करा है बैंक स्टेटमेंट, उससे अब ऑडिटर उन बैलेंसेस को रिकनसाइल करेगा, या फिर जो इंटरेस्ट या ऑनलाइन लॉग इन टू अकाउंट इन ऑडिटर्स पर्सनल प्रेजेंस, ऑडिटर के पर्सनल प्रेजेंस में जो भी ऑनलाइन लॉग इन किया गया है अकाउंट में, या फिर जो इंटरनेट से अगर उसे कोई हेल्प मिल सकती है तो वो भी ऑडिटर चेक करेगा। प्रिपेयर अ फाइनल समरी ऑफ द रिजल्ट्स ऑफ द सर्कुलाइजेशन एंड ड्रॉ द फाइनल कंक्लूजन, ऑडिटर इन सभी चीज़ों की एक समरी प्रिपेयर करेगा, जो भी उसने अभी तक चेकआउट करा है, जो भी उसने कंक्लूजन्स ड्रॉ करे हैं, या फिर कोई फीडबैक ऐसा उसे कोई मिला है, कोई बड़ी मटेरियल मिस स्टेटमेंट मिली है, तो उसकी ऑडिटर समरी, फाइनल समरी प्रिपेयर करेगा, जो भी रिजल्ट्स हैं उसके सर्कुलराइजेशन के, यानी कि जो भी सर्कुलर उन्होंने पास करे हैं या फिर जो भी उन्होंने इन्वेस्टिगेशन करी है उसकी एक फाइनल समरी ड्रॉ करेगा और फाइनल कंक्लूजन को ड्रॉ करेगा। इसके बाद है डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स इन शेड्यूल थ्री, यानी कि शेड्यूल थ्री ऑफ कंपनीज एक्ट में ऑडिट ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट से रिलेटेड क्या डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट दे रखी हैं, किन किन चीज़ों का डिस्क्लोजर हमें प्रोवाइड करना होता है। तो बैंक बैलेंस विद बैंक, यानी कि बैंक के साथ हमारा कितना बैलेंस है, जो भी हमारे ईयर एंड पर बैलेंस होता है उसका हमें डिस्क्लोजर देना है, चेक या ड्राफ्ट ऑन हैंड अगर कोई है तो उसका हमें डिस्क्लोजर देना है, जो कैश इन हैंड है उसका डिस्क्लोजर, और अदर स्पेसिफाइंग नेचर यानी कि इससे रिलेटेड जो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है उसका अगर कोई ऐसा कोई पार्टिकुलर सोर्स है तो उसका भी हमें डिस्क्लोजर देना होगा। द फॉलोइंग शुड बी शोन सेपरेटली, इन सभी पॉइंट्स को सेपरेटली शोन करा जाना है। क्या क्या है, एयर मार्क्ड बैलेंस विद द बैंक, अगर कोई एयर मार्क्ड बैलेंस यानी कोई हमारी इन्वेस्टमेंट है, कोई फिक्स डिपॉजिट है तो उसका हमें डिस्क्लोजर प्रोवाइड करना है, अलग से हमें इसको शो करना है। बैलेंस विद बैंक हेल्ड एज मार्जिन मनी, अगर हमने बैंक के साथ कोई मार्जिन मनी के रूप में कोई बैलेंस रख रखा है, यानी कि इतना बैलेंस तो हमारा बैंक में पड़ा ही रहता है, तो उसका हमें अलग से डिस्क्लोजर प्रोवाइड करना है। और सिक्योरिटी अगेंस्ट बोरोइंग या फिर बोरोइंग के अगेंस्ट में अगर हमने कोई सिक्योरिटी प्रोवाइड करी है तो उसका डिस्क्लोजर प्रोवाइड करना है। गारंटीज एंड अदर कमिटमेंट, अगर कोई गारंटी या अदर कमिटमेंट दे रखी है तो उसका भी हमें डिस्क्लोजर अलग से प्रोवाइड करना है। पैट्रिएशन रिस्ट्रिक्शंस इफ एनी इन रिस्पेक्ट ऑफ कैश एंड बैंक बैलेंस, अगर कोई रिस्ट्रिक्शन है कैश या बैंक बैलेंस से रिलेटेड उसके रिस्पेक्ट में, तो वो भी हमें डिस्क्लोज करनी पड़ेगी। मतलब अगर बैंक ने कोई रिस्ट्रिक्शन लगा रखी है या बैंक पर ही कोई रिस्ट्रिक्शन है तो वो हमें डिस्क्लोज करनी होगी कि हमारा ऐसा बैंक में अकाउंट है जिस पर कोई रिस्ट्रिक्शन है। बैंक डिपॉजिट विद इन मोर देन 12 मंथ मैच्योरिटी, जो 12 महीने से यानी कि एक साल से ज़्यादा की मैच्योरिटी पर जो भी बैंक डिपॉजिट करेगा उसको भी हमें अलग से डिस्क्लोज करना है। तो ये तो हमारा ऑडिट ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, जिसमें हमने ऑडिट ऑफ कैश एट बैंक को डिस्कस करा। अब देखते हैं कि एग्जाम में इससे रिलेटेड किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्या क्वेश्चंस होते हैं या कितने मार्क्स के क्वेश्चन इस टॉपिक से हमारे आते हैं। तो बहुत सारे नंबर ऑफ क्वेश्चंस इस टॉपिक से पूछे गए हैं आज तक एग्जाम में, एमटीपी में या फिर आरटीपी में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस शो करे गए हैं। तो नवंबर 11 में एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन आया था हमारे एग्जाम में, व्हाट प्रोसीजर्स एन ऑडिटर शुड अडॉप्ट टू टेस्ट द ऑथेंटिसिटी ऑफ कैश एट बैंक, यानी कि हमें यहाँ पे अपना ऑडिट प्रोसीजर लिखना है, जो भी कैश एट बैंक का ऑडिट प्रोसीजर हमने अभी डिस्कस करा उसको लिखना है। तो ये उससे रिलेटेड क्वेश्चन आया है 5 मार्क्स का नवंबर 11 में। आफ्टर डैट एक और क्वेश्चन है, हाउ विल यू वेरीफाई द फॉलोइंग, यानी कि बैंक बैलेंस को आप कैसे वेरीफाई करेंगे। तो इसमें भी हमें बैंक बैलेंस का यानी कि कैश एट बैंक का ऑडिट प्रोसीजर लिखना होगा। तो ये एक ही तरीके से दो क्वेश्चन को पूछा गया है। मेंशन डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट ऑफ बैंक बैलेंस इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ कंपनी, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है कंपनी का उसमें जो डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स हैं शेड्यूल थ्री की उसको मेंशन करिए, उसको डिस्क्लोज करिए कि क्या क्या शेड्यूल थ्री की रिक्वायरमेंट्स हैं। तो ये एक क्वेश्चन पूछा गया है जो अभी हमने डिस्कस किया। उसके बाद में है, नो एंट्री इज पास्ड फॉर चेक्स रिसीव्ड बाय द ऑडिटी ऑन द लास्ट डे ऑफ द ईयर, कि जो चेक उसने रिसीव करा है ऑडिटी ने, यानी कि जो हमारी एंटिटी है, जो हमारा क्लाइंट है, उसने जो चेक रिसीव करा उसके रिलेशन में उसने कोई एंट्री पास नहीं करी है एट द लास्ट डे ऑफ द ईयर एंड नॉट येट डिपॉजिटेड विद द बैंक, और वो चेक अभी तक डिपॉजिट भी नहीं करा गया। गिव योर कमेंट्स एंड ऑब्जर्वेशन, तो इस पर अपने कमेंट दीजिए और ऑब्जर्वेशन दीजिए। तो इसका आंसर किस तरीके से हम लिख सकते हैं कि बहुत सारे टाइम्स में ऐसा हो सकता है, मैनी अ टाइम चेक वर रिसीव फ्रॉम द कस्टमर, चेक रिसीव करा जाता है और लास्ट डे ऑफ द अकाउंटिंग ईयर के लास्ट डे पर, एंड चांसेस होते हैं कि वो चेक हम बैंक में डिपॉजिट ना कर पाए हों।
दो इन जनरल, हालांकि जनरल सर्कमस्टांसिस में इट इज़ एक्सपेक्टेड दैट ऑल चेक शुड बी डिपॉजिटेड इन द बैंक, कि ये एक्सपेक्ट किया जाता है, ये अनुमान लगाया जाता है कि सारे चेक को आप डेली बैंक में जमा करें, बट देयर में भी अ पॉसिबिलिटी, लेकिन एक ऐसी पॉसिबिलिटी भी हो सकती है कि कुछ चेक्स रिसीव करे गए हों लास्ट आवर्स पर, यानी लेट आवर्स पर, यानी कि बहुत लेट रिसीव करे गए थे, इसलिए हम उनको बैंक में डिपॉजिट नहीं कर पाए। तो इस केस में इट बिकम इम्पॉर्टेंट डेट सच चेक शुड बी प्रॉपरली अकाउंटेड फॉर, कि उन चेक्स की जो जर्नल एंट्री है, जो भी उसका पार्टिकुलर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है, वो सही से किया गया हो टू अवॉइड एनी फ्रॉड, किसी भी फ्रॉड को अवॉइड करने के लिए, एंड डेट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिफ्लेक्टेड ट्रू एंड फेयर व्यू, और इस बात को श्योर करने के लिए कि जो हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो ट्रू एंड फेयर व्यू प्रेजेंट कर रहे हैं। फॉर दिस पर्पज एन इफेक्टिव इंटरनल कंट्रोल शुड बी नीड, ये इस पर्पज के लिए एक इफेक्टिव इंटरनल कंट्रोल होना चाहिए। तो इस तरीके से कुछ क्वेश्चन जनरल नॉलेज पर भी पूछे जाते हैं कि लास्ट डे पर हमें एक चेक मिला था वो हम डिपॉजिट नहीं कर पाए, तो इसके रिगार्ड में अपने कमेंट दीजिए, अपनी ऑब्जर्वेशन दीजिए। तो ऐसे करके हमें उसका जनरल में आंसर लिखना होता है कि वैसे तो जमा करने चाहिए था पर अगर लेट आवर पर मिला है, तो अगर हमने जमा नहीं करा है, तो उसके लिए फिर एक ही सॉल्यूशन है कि इंटरनल कंट्रोल प्रॉपर होना चाहिए और उसका जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है वो रेलिवेंट होना चाहिए। उसके बाद एक और क्वेश्चन आया है कि स्टेट एनी सिक्स इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी एग्जामिन्ड बाय यू, ऐसे कुछ छह इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखिए जो आपके द्वारा एग्जामिन किए जाने चाहिए एज एन ऑडिटर, एक ऑडिटर की तरह, इन वेरीफाइंग द करेक्टनेस ऑफ बैंक बैलेंस ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के जो बैंक बैलेंस है उसको चेक करने के लिए। तो फिर ये तो वेरीफिकेशन ऑफ बैंक बैलेंस ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के ऊपर हमें आंसर देना है कि जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है अगर हमारा कोई, तो उसका जो बैंक बैलेंस है उसको हम कैसे वेरीफाई करेंगे, कैसे उसको हम चेक करेंगे। तो इसको हम जब एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का ऑडिट पढ़ेंगे उसमें डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चन उस टॉपिक से रिलेटेड है, अभी यहाँ पर इस टॉपिक से रिलेटेड नहीं है ये क्वेश्चन। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो कि हमारे एग्जाम में पूछे गए हैं, या फिर कुछ कॉमन अंडरस्टैंडिंग पे भी क्वेश्चंस आते हैं। आई होप दिस टॉपिक इज क्लियर। स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।